गुड आफ्टरनून आसिफ जी सर। सर मैं पवनिंदर तालीवाल बोल रहा हूँ सर, पंजाब से, इंडिया से। सर ये सिट्रस है का बाग है ऑर्चर्ड, जो हमने पिकनिक पे शिफ्ट किया था, जो कि फरवरी में शिफ्ट कर दिया था। और सर इतने एक्सीलेंट रिजल्ट हैं पिकनिक के कि आप फ्रूटिंग देखो और उस पर आप चमक देखो फ्रूट के ऊपर, फ्रूटिंग देखो। और ये नया फुटा रहा हमारे सर, रेन काफ़ी हुई है क्योंकि काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई है, और रेनफॉल होने के बाद आप देखो इतना अच्छा फुटार, और आप फ्रूट देख सकते हैं किन्नू पे। और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मिनिमम आप जिसमें फर्टिलाइज़र सिर्फ हमने दिया था, जो सिर्फ आप लगा लो हाफ बैग था, जो कि हमने 1 एकड़ में दिया है, और कुछ भी नहीं इसको दिया है। और आप ये नीचे मल्च की हुई है, और आप किसी भी प्लांट को देख सकते हैं, इतनी अच्छी उसने ग्रोथ, लीफ साइज इतना अच्छा हो चुका है, और फ्रूटिंग मतलब ये देखो सर, फ्रूट की चमक देखो, देखो मतलब बाग को देखकर इतना मतलब मन खुश होता है ना सर, ये आपको बता नहीं सकते। आप किसी तरफ ही देख लो, मतलब इतना देखो कितने अच्छे प्लांट हो गए हैं सारे। और बिल्कुल जो फ़ायदे वाली चीज़ है फुटार, जो बिल्कुल फ़ायदे वाला है आने वाले ईयर के लिए भी, उस तरह का फुटार आया बाग में। आप फ्रूट देख सकते हैं सर, देखिए सर पूरा भरा पड़ा है फ्रूट सर। सेकंड वीडियो है, आप देखें कि फ्रूट की मतलब एक एक जगह पे ही कम से कम दो दो तीन तीन क्रेट लगे पड़े हैं फ्रूट के, आप लगाओगे पूरा भरा पड़ा फ्रूट सर। और सबसे बड़ी बात है कि सर इससे पहले हम इतने फर्टिलाइज़र स्प्रे वगैरह यूज़ करते थे कि क्वालिटी अच्छी बने और कोई पेस्ट ना आए, लेकिन इस बार हमने बिल्कुल मिनिमम पे आ गए, और नेक्स्ट ईयर हमने बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो आप ये भी सोचें कि कोई पेस्ट नहीं आया इस पर किसी तरह का। इससे पहले लीफ माइनर आ गया, सिट्रस लेका अटैक आ गया, कभी क्या आ गया, आप कोई भी प्लांट देख लें फ्रूटिंग से बड़ा पड़ा है। और देखने में ज़रूर लगता है कि बाग गंदा सा है, क्योंकि इधर देखो ये सारा घास से भरा पड़ा है। ये भी है, हमारे पास थोड़ा मल्चर नहीं अवेलेबल इस साइड, तो हमने रोटावेटर को उठा के थोड़ा मार दिया, तो थोड़ा क्योंकि चलने लायक नहीं था, तो इसको भी अब दोबारा फिर बेड की शेप दे देंगे। लेकिन 100% सेटिस्फाइड है सर इससे, रेन हुई और इतनी हैवी रेन हुई है, और आप देख लो कहीं भी कोई भी पानी रुका नहीं, जैसे सुबह बारिश हुई है शाम तक सारा पानी नीचे चला गया। और बारिश बहुत ही हैवी हुई थी, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और ये पंजाब दोनों एरियों में बारिश काफ़ी हैवी हुई है। आप देख ले किसी भी प्लांट में आप देख सकते हैं फ्रूट, और कोई स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रूट है। कोई फ्रूट आप चेक कर ले, ये नहीं है कि कोई अच्छा प्लांट है वो दिखा रहे हैं, या कोई ये देखो आप रैंडमली आप कोई भी उठा लो, सभी में आपको अच्छा मिलेगा। और ये पिकनिक सर सही मायने में यही एक सोल्यूशन है। जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे भी शेयर करते रहेंगे। आप देखें सर कहीं भी देखें, मतलब फ्रूट का सोच ही नहीं सकते, इतना फ्रूट है बाग में। और सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ड्रॉपिंग बिल्कुल भी नहीं है सिट्रस की। इससे पहले क्या है, तीन तीन चार चार स्प्रे तो हम सिर्फ ड्रॉपिंग के लिए कर देते थे कि ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखो सर बिल्कुल ही, आप नीचे आप देख सकते हो कहीं भी किसी भी प्लांट के नीचे कोई भी ड्रॉपिंग नहीं है, सिर्फ मल्च ही पड़ा है, और एक भी मतलब किन्नू नहीं नीचे गिरा हुआ, और इतनी हैवी बारिश हुई है। आप किसी में भी देख लें, देखो एक भी किन्नू आपको नीचे नहीं मिल रहा कोई भी।
और क्वालिटी आप कहें भी, अगर एक नंबर से भी ऊपर कहें तो वो आप कह सकते हैं, और इतनी अच्छी है, किसी भी को भी देख लो, साइज एक सार है बिल्कुल, कोई ये नहीं है कि छोटा साइज है किसी। ये छोटा है, प्लांट्स हैं हमारे जो कि 8-10 साल 8 साल के हैं, इस सभी पे फ्रूटिंग बहुत अच्छी है।